हमारे पास क्या है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वन प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा एंड वन प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसकी आपको वैल्यू पूछ रहे, इसकी वैल्यू क्या हो। आप सब लोगों ने इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से सॉल्व किया है। सॉल्व किस तरह से किया हुआ है, टेन को साइन अपॉन कॉस रखिए, सेक को वन अपॉन कॉस रखिए, कॉट को कॉस बाय साइन रखिए, कॉसेक को वन बाय साइन रखिए, सॉल्व करिए। लेकिन कभी अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया हुआ 0, -1, 1, 2 तो इसका मतलब ऑप्शन में दिया हुआ, क्योंकि आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन कर रहे हो। अगर एमसीक्यूज में आपको ऑप्शन न्यूमेरिकल है तो अच्छा ये है कि आप यहाँ पे थीटा की कोई वैल्यू रख लो। इसको सिंप्लीफाई करने से अच्छा है थीटा की कोई भी एक वैल्यू रख लो। जैसे अगर मैं यहाँ ये कहूँ कि थीटा इज माई 45, किसी भी वैल्यू के लिए आप चेक करिए, आंसर एक ही है। आप 30 रख लीजिए, 60 रख लीजिए, 45 रख लीजिए। 10 में कॉट में 0 और 1 नहीं रखते हैं क्योंकि इनमें से इनफाइनाइट हो जाता है, तो फिर आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अगर 45 मैंने क्यों रखा है, क्योंकि 10 45 1 होता है, तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, ये हो जाएगा 1 और ये 10 45 हो जाएगा और ये sec 45 हो जाएगा, ये cot 45 हो जाएगा और ये cosec 45 हो जाएगा। ये आपके लिखने समझाने के लिए 45 लिखा है, अदरवाइज आप सीधा वैल्यू रख सकते थे एक ही लाइन में बस। तो आपको पता है 10 45 1 होता है, 1 + 1 sec 45 जो होगा वो cos 45 का रेसिप्रोकल होता है √2। cot 45 भी 1 होता है और cosec 45 भी √2 होता है। फाइनली जो आपके पास ऑप्शन आएगा वो आपके पास आएगा 2 + √2 एंड 2 - √2। तो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, फाइनल आंसर इज 2। तो इस तरह से भी आप अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसे नोट करो बच्चे जल्दी से, और प्लीज डाउट्स ढूंढा करो कहीं ना कहीं से।